छात्रों, आज हम देखने वाले हैं स्वामी विवेकानंद पाठ का जो शेष भाग रहा है वो आज हम इस वीडियो के द्वारा देखने वाले हैं। तो कल हमने वीडियो में देखा कि स्वामी विवेकानंद इनका बचपन का नाम क्या था, तो नरेंद्र यह उनके बचपन का नाम था। और वो बचपन में कितने होशियार थे, आपको पता है कि एक कक्षा में जब अध्यापक आते हैं और वो क्या कर रहे थे, सभी बच्चों को अपने जो सहपाठी हैं उनके साथ जो पढ़ने वाले हैं उनको कहानी सुना रहे थे। और जब अध्यापक आए, अध्यापक ने पढ़ाना प्रारंभ कर दिया और अध्यापक को पता चला कि कक्षा में कुछ बच्चे जो है वो वार्तालाप कर रहे हैं, तभी वो बच्चों को डांटते हुए उन्होंने कहा कि कौन बातें कर रहा है। तभी सभी बच्चों ने जो बातें कर रहा था उनकी तरफ उसके तरफ इशारा करके बोला कि ये बच्चा बातें कर रहा है। तो उस शिक्षक को जरा भी विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि जो प्रश्न अध्यापक ने पूछा था उसका सही जवाब उसी विद्यार्थी ने दिया था जो बच्चा बातें कर रहा था। पर देखो, वो बच्चा बाद में शिक्षा पाने के लिए भी तैयार हो गया, क्योंकि प्रामाणिकता पूरी उसमें भरी थी। उसका नाम था नरेंद्र और वो दो जगह पर एक साथ ध्यान लगाने की क्षमता रखता था। मतलब देखिए, वो कहानी भी सुना रहा है और अध्यापक के सिखाने पर भी उसका ध्यान है। तो इसीलिए ऐसे उसके गुण के कारण, उसकी खूबी के कारण वो अध्यापक उसके ऊपर आश्चर्य व्यक्त करने लगे। और उसके बाद हमने देखा था उनके माता का नाम, उनके पिता का नाम, उनके शिक्षण के बारे में और आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में उनके हमने देखा था। देखो, आध्यात्मिक ज्ञान की खोज करने के लिए वो क्या करते थे, साधु संन्यासियों के पीछे दौड़ते थे, गंभीर ध्यान में बैठ जाते थे। और देखिए, बाद में उन्होंने ब्रह्म समाज को भी अपनाया था, पर ब्रह्म समाज उनके आध्यात्मिक ज्ञान को शांत नहीं कर सका, इसलिए उन्होंने वो छोड़ दिया और रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बन गए। उनसे उनको जो आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए था वो मिल रहा था, उनके मन को शांति मिल रही थी। और ऐसे उनको वैराग्य आ गया, वो अपने सांसारिक भोगों से दूर रहने लगे, संसार से दूर रहने लगे, अपने परिवार से दूर रहने लगे। तो इसको वैराग्य कहते हैं। वैराग्य की भावना उनके मन में जग गई और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज के लिए वो किधर गए, हिमालय पर चले गए। और हिमालय से लौटने के बाद देखिए क्या हुआ, हिमालय पर जाकर उन्होंने किस तरह से ज्ञान हासिल किया और आने के बाद क्या क्या हुआ, इस परिच्छेद के द्वारा हम देखते हैं। हिमालय पर्वत पर स्वामी विवेकानंद ने कई वर्षों तक तप साधना की। वहां उन्हें अनेक प्रकार के कष्ट सहन करने पड़े। हिमालय की भयंकर ठंड में उन्हें अनेक बार नंगे बदन सोना पड़ा, जंगली जानवरों का सामना करना पड़ा। हिमालय से लौटकर स्वामी जी ने पूरे भारत का पैदल भ्रमण किया। इस दौरान सभी वर्गों के लोगों से उनका परिचय हुआ। उन्होंने सभी को धर्म और नीति के उपदेश दिए। स्वामी जी जहाँ भी जाते थे, लोग उनकी प्रतिभा, आकर्षक व्यक्तित्व, कांतिपूर्ण मुखमंडल और चुंबकीय दृष्टि से प्रभावित हुए बिना नहीं रहते थे। उनका रूप जितना भव्य और सुंदर था, उतने ही वे सरल और विनम्र थे। वे सभी को स्नेह और आदर देते थे। देखिए, यहाँ तक हमने देखा था पिछले वीडियो में, अब हम इसके आगे देखते हैं। उन्हीं दिनों अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन होने जा रहा था। अनेक लोगों ने स्वामी जी की प्रतिभा को देखकर उनसे इस सम्मेलन में भाग लेने का आग्रह किया। देखिए, आग्रह का मतलब क्या है, देखिए आग्रह का मतलब है बार बार निवेदन करना। देखो, अमेरिका इस देश में विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया था। इस सम्मेलन में हर एक देश के लोग जाते और वहां अपने धर्म का महत्व बताते। ऐसे धर्म सम्मेलन का आयोजन अमेरिका में किया गया था। तो देखिए, इसमें भाग लेने के लिए स्वामी विवेकानंद को तैयार किया गया। उन्हीं दिनों अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन होने जा रहा था। अनेक लोगों ने स्वामी जी की प्रतिभा को देखकर उनसे इस सम्मेलन में भाग लेने का आग्रह किया। उनका जो व्यक्तित्व था, उनकी जो प्रतिभा थी स्वामी विवेकानंद की, उनका तेज देखकर, उनकी बुद्धिमत्ता देखकर सभी लोगों ने उनसे
इस सम्मेलन में भाग लेने का आग्रह किया। स्वामी जी उसमें जाने को तैयार हो गए, फिर से मान गए उस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गए। लोगों ने उनके उनके लिए धन इकट्ठा किया और वे 21 मई 1893 ईस्वी को मुंबई से चलकर 30 जुलाई को अमेरिका पहुंच गए। पूरे 2 महीनों तक वो सफर करते रहे। यहाँ से देखिए मुंबई से चलकर वो 30 जुलाई को अमेरिका में पहुंच गए और इनको स्वामी विवेकानंद को अमेरिका जाने के लिए पूरा धन इकट्ठा लोगों ने किया, भारत के लोगों ने ये धन इकट्ठा किया और उनको वहाँ अमेरिका जाने के लिए तैयार किया। वहाँ जाकर पता चला कि सम्मेलन होने में अभी काफी विलंब है, उनके पास अधिक धन नहीं था, इसलिए प्रतीक्षा के दिन उन्होंने बड़े ही कष्ट में बिताए। वहाँ जाकर पता चला कि सम्मेलन अभी होने में बहुत विलंब है, बहुत देर है, तो इसीलिए उन्होंने जो प्रतीक्षा के दिन है वो बहुत कष्ट में बिताए। उनके पास जो धन था वो खत्म होने लगा था, तो ऐसे में पूरा 1 महीना उनको ऐसे ही निकालना था बैठकर, और उनका जो धन है वो खत्म होते जा रहा था, तो ऐसे दिन उन्होंने बहुत कष्ट में बिताए। 11 सितंबर को सम्मेलन आरंभ हुआ। कब हुआ देखिए, 11 सितंबर को सम्मेलन आरंभ हुआ है। वो मुंबई से कब निकले थे, 21 मई 1893, और कब पहुंचे थे, 30 जुलाई को अमेरिका में पहुंच गए थे। इतनी देर वो सफर करते रहे। उसके बाद देखिए 11 सितंबर को सम्मेलन आरंभ हुआ। वहां उपस्थित सभी लोग सन्यासी वेशधारी भारतीय का भाषण सुनने को उत्सुक थे। उनके जो कपड़े थे सन्यास भगवे वस्त्र परिधान किए थे उन्होंने, उनका वेश सन्यासी का वेश था, तो ऐसा वेशधारी भारतीय का भाषण सुनने के लिए अमेरिका वासी भी उत्सुक थे, वहां के जो लोग थे वो उत्सुक थे। जैसे ही स्वामी विवेकानंद ने मंच पर जाकर अमेरिका की बहनों और भाइयों के संबोधन से भाषण प्रारंभ किया, वैसे ही तालियों की गड़गड़ाहट से सम्मेलन स्थल गूंज उठा। तालियों के थमने के बाद स्वामी जी के भाषण को सुनकर श्रोतागण मंत्रमुग्ध हो गए। श्रोतागण यानी क्या, सुनने वाले लोग। श्रोतागण का मतलब है सुनने वाले लोग, और वक्ता यानी बोलने वाला, भाषण करने वाला वक्ता। तो स्वामी जी की बातें सुनकर सभी लोग प्रभावित हो गए। उनकी शुरुआत ही ऐसी थी कि अमेरिका की बहनों और भाइयों, ऐसे संबोधन से सारे जो वहां पर लोग थे श्रोतागण थे उन्होंने तालियां बजाना प्रारंभ किया, तालियां बजाई। तालियों के थमने के बाद स्वामी जी के भाषण को सुनकर श्रोतागण मंत्रमुग्ध हो गए, तल्लीन हो गए उनका भाषण सुनते वक्त। अमेरिका वासी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि एक भारतीय धर्म पर इतना अच्छा भाषण दे सकता है। स्वामी जी ने पश्चिम के लोगों को बताया कि कर्म को कर्तव्य मानकर करना चाहिए, उसमें फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। कौन सा भी कर्म हो उसे कर्तव्य मानकर करना चाहिए, उसमें अगर हमने फल की इच्छा रखी तो हमारा काम सफल नहीं होगा। इसके बारे में पश्चिम के लोगों को जानकारी दी, स्वामी विवेकानंद ने जानकारी दी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, हम कोई भी काम करते तो उसे उसके पीछे फल की अपेक्षा हमें नहीं रखनी चाहिए, तभी वह जो कर्म है वो आसानी से और अच्छी तरह से पूरा हो सकेगा और उसका समाधान हमें मिलेगा। इसलिए कर्म को कर्तव्य मानकर करना चाहिए, उसमें फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। स्वामी जी अपने चमत्कारी भाषण एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व से धर्म सम्मेलन के सबसे प्रिय वक्ता बन गए। वक्ता का मतलब देखिए, वक्ता का मतलब है बोलने वाला, भाषण कला में प्रवीण, भाषण कला में प्रवीण उसे ही वक्ता कहते हैं या बोलने वाला, और आगे जो सुनते हैं उनको क्या कहते हैं, श्रोता। तो देखिए ये प्रिय वक्ता बन गए, किस कारण, चमत्कारी भाषण एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण वो उस सम्मेलन के प्रिय वक्ता बन गए। श्रोताओं को अंत तक रोकने के लिए बस इतनी घोषणा काफी होती थी कि प्रार्थना से पहले विवेकानंद कुछ बोलेंगे। वहां के समाचार पत्र स्वामी जी की प्रशंसा से भर गए। देखिए वहां अन्य देशों के भी लोग आए थे और भारत का भी
अपने स्वामी विवेकानंद गए थे। तो स्वामी विवेकानंद के समाचार वहां के समाचार पत्रों में स्वामी विवेकानंद के बारे में समाचार पत्र में छपने लगा, वहां प्रशंसा से भर गए उनके समाचार पत्र। स्वामी विवेकानंद के प्रशंसा से भरने लगे। शिकागो के राजपथों पर उनके चित्र लगाए गए। देखिए शिकागो के जो राजपथ है मतलब महामार्ग बड़े बड़े रास्ते वहां पर स्वामी जी के चित्र लगाए गए, स्वामी विवेकानंद के चित्र लगाए गए। इतने वो वहां पर मशहूर हो गए स्वामी विवेकानंद। देखिए अपने चमत्कारी भाषण एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण वह सबसे प्रिय वक्ता बन गए थे। और उन्होंने जो शुरुआत में ही कहा था कि अमेरिका की बहनों और भाइयों, इस कारण उन्होंने सभी का मन जीत लिया था, तभी तो सभी श्रोता तालियां बजाने लगे थे। सम्मेलन समाप्त होने के बाद स्वामी जी ने अमेरिका के अनेक नगरों में वेदांत का प्रचार किया। हिंदू धर्म के जो वेद है, वेद में जो जानकारी है, उसका प्रचार उन्होंने अमेरिका में जाकर किया है। इसके बाद वे यूरोप गए। पेरिस एवं लंदन में उनके भाषणों को सुनने के लिए लोग उमड़ पड़े। लोग भीड़ करते थे उनके भाषण सुनने के लिए। उनकी प्रतिभा को देखकर, उनके व्यक्तित्व को देखकर, उनका भाषण करने का जो तरीका है उसको देखकर लोग उनके सभा में उमड़ पड़ते थे। उनका भाषण सुनने के लिए लोग उमड़ पड़ते थे, भीड़ करते थे। वे स्वामी जी के वेदांत से बहुत प्रभावित थे। वहां के लोगों में उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति इतनी बढ़ गई कि अनेक लोग शिष्य बनकर उनके साथ ही भारत चले आए। देखिए जो लोग अमेरिकावासी थे, अन्य देश के थे, उन्होंने क्या किया कि उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति इतनी बढ़ गई, स्वामी विवेकानंद के प्रति श्रद्धा और भक्ति जो इतनी बढ़ गई कि वो उनके शिष्य बनकर भारत चले आए, उनके साथ भारत चले आए, उनके अनुयायी बन गए, उनके शिष्य बन गए और वो उनके साथ ही भारत चले आए। देखिए कितना बड़ा प्रभाव लोगों पर स्वामी विवेकानंद का हुआ था। 3 साल अमेरिका और यूरोप में रहने के बाद स्वामी विवेकानंद 16 दिसंबर 1896 ईस्वी को जरियान से स्वदेश के लिए रवाना हुए। स्वदेश के लिए उनको रवाना हुए कब? 16 दिसंबर 1896। अमेरिका और यूरोप में रहने के बाद वो सिर्फ अमेरिका में नहीं रहे थे, यूरोप एवं लंदन में भी वो अपने वेदांत का प्रचार करते रहे। और वो देखिए 21 मई 1893 को मुंबई से निकले थे और कब लौटे हैं? 16 दिसंबर 1896 में वापस जनयान से स्वदेश के लिए रवाना हुए। समुद्र के मार्ग से जनयान से वो स्वदेश के मतलब अपने भारत आने के लिए रवाना हुए, वहां से निकले। 15 जनवरी 1897 ईस्वी को स्वामी जी कोलंबो तट पर उतरे तो वहां उनका अभूतपूर्व स्वागत किया गया। अभूतपूर्व, देखिए अभूतपूर्व का मतलब है जो पहले न हुआ हो इसको ही अभूतपूर्व कहते हैं। 15 जनवरी 1897 ईस्वी को स्वामी जी कोलंबो तट पर उतरे तो वहां उनका अभूतपूर्व स्वागत किया गया। देखिए जिस तरह से हमारे जो क्रिकेटर हैं वो अन्य देशों में जाकर क्रिकेट खेलते हैं और वहां जीतकर जब वापस आते हैं तब उनका जिस तरह से स्वागत होता है, क्यों होता है? क्योंकि वह हमारे भारत का नाम रोशन करते हैं, पूरी टीम भारतीय होती है और वो क्या करते हैं, हमारे भारत का नाम रोशन करते हैं। उसी तरह हमारा भारत का एक सदस्य अमेरिका में गया है और वहां जाकर अपने धर्म के बारे में वो प्रचार कर रहा है, सभी जगहों पर अपने धर्म के महत्व के बारे में बता रहा है, उसकी प्रशंसा हर तरफ हो रही है। ऐसे में वो जब वापस आते हैं, हमारे देश में वापस आते हैं, तब देखिए उनका अभूतपूर्व स्वागत किया जाता है। वो कोलंबो तट पर उतरे जब वो वहां से रवाना हुए अमेरिका और यूरोप में 3 साल बिताने के बाद जब वो हमारे स्वदेश में आने के लिए रवाना हुए तब वो कोलंबो तट पर उतरे और वहां उनका अभूतपूर्व स्वागत किया गया। 20 जनवरी को स्वामी जी जब कोलकाता पहुंचे तो वहां उनके अभिनंदन की बाढ़ सी आ गई। पूरा कोलकाता अपने विश्व विजयी पुत्र के आगमन से
मतवाला हो उठा। सभी को गौरव होने लगा कि हमारे हमारे शहर का कोलकाता का एक पुत्र अमेरिका दूसरे देश में जाता है और वहां जाकर अपने नाम अपने भारत का नाम रोशन करता है। तो ऐसे में सभी खुद को गौरव करने लगे, खुद का गौरव करने लगे, अपने देश का गौरव करने लगे। कोलकाता ही नहीं सभी देशवासी विदेश में स्वामी जी के सम्मान पर आत्मगौरव से भर उठे। देश विदेश में अभिराम भाषण लगातार भाषण करते करते और भ्रमण के कारण हर जगह पर भ्रमण करना सफर करना भ्रमण के कारण स्वामी जी का स्वास्थ्य गिरता चला गया। उन्होंने अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं दिया, उनका स्वास्थ्य गिरता चला गया, वो बीमार होने लगे। परंतु उन्होंने इसकी परवाह न करते हुए सन 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और देश भर में इसकी शाखाएं खोली। देखो रामकृष्ण मिशन जो अपने गुरु के नाम से उन्होंने शुरू की थी उनकी सभी देश भर में शाखाएं खोली। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में उन्होंने की। तो ये क्या करती थी, सभी जो पीड़ित लोग हैं और लोगों को अच्छा मार्ग दिखाना, सत्य पर चलना सिखाना, यह काम ये रामकृष्ण मिशन द्वारा होता था। और जो कोई पीड़ित है उसकी देखभाल करना या फिर उसे सहारा देना, यह सब ये रामकृष्ण मिशन करता था। तो इसकी शाखाएं सभी देश भर में खोली गई। ढाका, कोलकाता और बेलूर गांव जो तमिलनाडु अभी का है में स्थान स्थान पर सेवाश्रम खोले। देखो ढाका में, कोलकाता में और बेलूर गांव जो तमिलनाडु है उसमें स्थान स्थान पर उन्होंने सेवाश्रम खोले, जगह जगह पर उन्होंने अपने सेवाश्रम खोले, रामकृष्ण मिशन की शाखाएं खोली। 1897 ईस्वी में जब भारत में प्लेग की महामारी फैली तो रामकृष्ण मिशन ने पीड़ितों की सेवा की। देखो बहुत बड़ी महामारी 1897 में फैली थी प्लेग की और इसमें बहुत सारे लोग पीड़ित थे इस महामारी से, इस रोग से। तो तभी इस रामकृष्ण मिशन ने इन पीड़ितों की सेवा की थी। 4 जुलाई 1902 ईस्वी को स्वामी जी ने संध्या के समय जाप किया, फिर ध्यान में बैठ गए। रात्रि को इसी ध्यान की अवस्था में उन्होंने देह त्याग दी। देखो उस समय उनकी आयु मात्र 39 वर्ष थी। देखो कितने कम समय में उन्होंने अपनी देह त्याग दी है। 4 जुलाई 1902 ईस्वी को स्वामी जी ने संध्या के समय जाप किया, वो जाप के लिए बैठ गए, फिर ध्यान में बैठ गए, ध्यान लगाया उन्होंने 4 जुलाई 1902 की संध्या में शाम को। रात्रि को इसी ध्यान की अवस्था में उन्होंने देह त्याग दी। देह त्याग दिया ने वो उनका देहांत हो गया, वो उसी ध्यान की अवस्था में उन्होंने अपनी देह त्याग दी। उसी समय उनकी आयु कितनी थी, 39 साल, सिर्फ 39 साल की आयु में वो उन्होंने अपनी देह त्याग दी थी। कन्याकुमारी में समुद्र के बीच में स्थित विवेकानंद स्मारक उनकी स्मृतियों को संजोए हुए है। इसी स्थान पर उन्होंने अमेरिका की यात्रा करने के से पूर्व ध्यान किया था। स्वामी जी ने नवजागरण और ज्ञान का ऐसा दीपक जलाया है जो युगों युगों तक अपने प्रकाश की आभा से संसार को आलोकित करता रहेगा। देखिए उनकी जो यादें हैं वो कहाँ पर है, कन्याकुमारी स्मारक में है, चित्र में दिखाया गया है, पाठ्य पुस्तक में चित्र है उसमें दिखाया गया है कन्याकुमारी स्मारक, और उसी में स्वामी विवेकानंद की सब यादें वहाँ पर संभाल कर रखी हैं। इसी स्थान पर उन्होंने अमेरिका की यात्रा करने से पूर्व ध्यान किया था। अमेरिका जब वो निकल रहे थे, यहाँ से रवाना हुए अमेरिका जाने के लिए, तब उन्होंने इसी स्थान पर ध्यान किया था। स्वामी जी ने नवजागरण और ज्ञान का ऐसा दीपक जलाया है जो युगों युगों तक अपने प्रकाश की आभा से संसार को आलोकित करता रहेगा। तो आलोकित का मतलब क्या है, प्रकाशित, आलोकित का मतलब प्रकाशित। सभी को स्वामी जी ने नवजागरण और ज्ञान का ऐसा दीपक जलाया है सभी के मन को अंधकार से दूर करने का प्रयास स्वामी जी ने किया है और उनका उनके जो विचार है वो युगों युगों तक हमें प्रेरणा देते रहेंगे, प्रगति करने के लिए प्रेरणा देते रहेंगे। तो ऐसे स्वामी विवेकानंद के विचार हमें पढ़ने चाहिए। तो
तो यहाँ पर हमने स्वामी विवेकानंद यह पाठ पूरा किया है। ये शब्दार्थ फिर से देखो, आग्रह का मतलब है बार बार निवेदन करना, वक्ता बोलने वाला भाषण कला में प्रवीण, अभूतपूर्व जो पहले न हुआ हो, अविराम लगातार अलौकिक यानी प्रकाशित। तो जितना भी पाठ हुआ है वो आपको पढ़ना है और ये शब्दार्थ जो है वो आपको नोटबुक में लिखना है और पूरा पाठ फिर से पढ़ना है। यहाँ पर हमारा स्वामी विवेकानंद जो पाठ है वो समाप्त हुआ है।